आपको कोई ऑफर नहीं आया कि उधर से कहा जाए कि अब्दुल इमान साहब रह रहे हैं या बिहार तक रहे हैं? देखिए, लगता है कि ऐसी तो बात नहीं हुई होगी, और आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं लालू परिवार से, ये भी मैं जानता हूँ, तो ऐसे में ये बात आई जरूर होगी। उस वक्त आपने कैसे स्टैंड लिया कि नहीं मैं तो ओवैसी जी के साथ? देखिए, लालू जी का मैं आदर से बात करता हूँ, ये लोग मेरी तबीयत से वाकिफ हैं। किसी चोर चक्के से बेटी का रिश्ता होना ही बदकिस्मती नहीं है, उनका न्योता भी आ जाए तो ये भी बदकिस्मती कौन है। चूंकि अब आप आरजेडी के भी विरोध में बोल रहे हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी तो है ही, आरजेडी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए विरोध, मेरी लड़ाई इन पार्टियों से वैचारिक तौर पर तो है कि हम बीजेपी की कभी भी हिमायत नहीं कर सकते। बीजेपी की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो एंटी माइनॉरिटी है। कौन बात कर रहा है माइनॉरिटी के नाम पर? शर्मा रहे हो? माइनॉरिटी के लोगों को सेकुलर पार्टियां आगे में कुर्सी में बैठाने में शर्माने लगी है। माइनॉरिटीज के इशू पर बात करने से उनको ऐसा लगता है कि मेरा हिंदू वोट खिसक जाएगा, उस पर बात करने से खतरा रहे हो। कि जिस तरीके से नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए जुटे हुए हैं, सभी विपक्षी एकता को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में ओवैसी साहब अब्दुल इमान उनका समर्थन करेंगे? देखिए, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, बिहार का कोई बेटा आगे बढ़ता है तो उनका समर्थन किया जाना चाहिए, और वो भी बीजेपी से अलग होकर। मैंने पार्टी रजिस्ट्रेशन कराया पार्टियों की दुकान करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी नहीं हो, समाजवादी लड़ जाए कोई बात नहीं है, दूसरे राजद और ये लड़ जाए जदयू के साथ कोई बात नहीं है, मायावती जाके लड़ जाए कोई बात नहीं है, सनफ मल्ला जाके लड़ जाए कोई बात नहीं है, सनफ बाजी जाके लड़ जाए कोई बात नहीं है, सनफ माइनॉरिटी लड़ा तो ये कुटकटुआ हो गया। हिंदुत्व का समर्थन तो किया, लेकिन आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो हिंदुत्व के एजेंटों की बहाली कर रही है, जैसे बीजेपी का बचाव जैसे नेता है, उनके हित का ख्याल कीजिए, आबादी कोई मसला नहीं है, गाँव में जाके देख लीजिए, बच्चे उनके एसेट हैं, वो कमाओ हो रहे हैं, कम बच्चे वाले वो समझ रहे हैं कि मेरा बेटा है, अगर बच्चा गरीब है मर गया तो मेरा कौन होगा, इलाज भी ठीक से नहीं होता, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, वो चाहता है वो गरीब के मेरे दो चार बच्चे हों, ताकि एक बच्चा मेरा कहीं हो भी जाए, दब भी जाए, कहीं एक्सीडेंट हो, दबाव से देखते हुए मर भी जाए, तो मेरा कोई ना दूसरा बचे, इसलिए प्रयास कर रहा है, इसलिए ये तत्काल आबादी कोई मसला नहीं है। देख रहे हो आप उन लड़कियों का क्या होगा जिनको लोगों ने जीवन के सिर पर रखा, उसके बाद आपका जुमला निश्चित रूप से गलत है, तो दिल की बात है वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन रिलेशन गलत नहीं है, लेकिन रिलेशन गलत नहीं है, 35 टुकड़ों में बांट देना गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि खबरें आती हैं। देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है अपने संतान के बारे, अपने भविष्य के बारे में, सामाजिक बंधन और बंधा हुआ, ये आवारा गर्दी है, ये नैरो सोच है, ये आवारा गर्दी है, ये आवारा गर्दी है, जिन लोगों ने नेचर के खिलाफ ये काम किया है, ऐसे लोग बर्बाद में तबाह हो गए। नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, मैं ये समझा रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ उन बच्चों का कौन होगा जिम्मेदार जो लीव इन रिलेशनशिप का पैदा हो, कल जुदा हो जाएंगे तो आप रोक के भी नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ, पति पत्नी अगर रिश्ते में बन जाते हैं सामाजिक तौर पर, तो इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों बने रहेंगे? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, ऐसी खबरें हैं जहाँ अगर ऐसी शादी हुई है तो वहाँ भी ऐसी चीजें। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिनको पसंद आए वो कर रहा है तो उसको करने दो, जिनको जहर खा के मरना है उनको करने दो, मैं तो लड़ता हूँ सीमांचल के लिए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान साहब। इनका एक परिचय ये भी है कि विधानसभा का जब भी सत्र हो तो आखिरी दिन विवाद में ये जरूर होते हैं, इसके अलावा सीमांचल का कोई मुद्दा हो तो ये बोलेंगे जरूर, और खास करके जब इनके विधायक टूट गए उसके बावजूद भी इन्होंने समर्थन दिया महागठबंधन सरकार। सवाल कई हैं जो हम एक एक करके इनसे पूछेंगे। हमारे साथ आशीष भी जुड़े हैं, हर्षिता भी रहेगी इस पूरे। सबसे पहले तो बिहार तक पर सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में मुझे लगता है कि विवाद से करना चाहिए, फिर से विधानसभा का सत्र होने वाला है, और मुझे याद है कि वो आखिरी दिन जब विधानसभा का पिछला सत्र था और सब कुछ बड़े आराम से चल रहा होता है, तभी एक विवाद सामने आता है कि एक नेता जो है वो खड़े नहीं होंगे राष्ट्रगीत पे, ऐसा क्यों हो गया? मामला ये है कि ये तो बहुत छोटी सी बातें हैं,
हम अपने बुजुर्गों की पैरवी करते हैं, जिन लोगों ने देश को आज़ाद किया, देश का संविधान बनाया, और उनका आदर और सम्मान और उनकी परिपाटी को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये देश अलग अलग भाषाओं का, धर्मों का, कल्चर का देश रहा है, और सभी को मिलजुल कर रहने में उसी वक्त आसानी होगी जबकि सबका ख्याल रखा जाए। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों ने संविधान को रचा, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े के भारत को एक जगह जोड़ने का काम किया, क्या उनकी समझ हमसे कमज़ोर थी? उनको तो ज़्यादा जोश था, पार्लियामेंट नया था, असेंबली नहीं थी, तो उनको तो वो चीज़ें वहाँ स्थापित करनी थी, उन्होंने तो स्थापित नहीं किया। और आज के हालात में ये नई नई परिपाटियाँ आप ला रहे हैं, क्या आप दिखाना चाहते हैं? तो इसका विरोध ये भी हो सकता था ना कि आप असेंबली से 10 मिनट पहले बाहर निकल जाते, लेकिन आपने इस विरोध को वहां रह के जताया, फिर बताया, उसके बाद ये विवाद बढ़ गया। नहीं, आपको तब अगले दिन मेरे, सुर्खियों में नहीं, 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 मेरे बारे में मालूम नहीं है, लोग गाते रहे और मैं निकल गया था। मेरे बैठने का कोई फोटो आप नहीं दिखा सकते। मैं वहां से निकला और मैंने बाहर एतराज किया कि ये अच्छी रीत नहीं है। मैंने मुनासिब तरीके से, जो सब तरीका होता है किसी चीज के विरोध करने का, मैंने उस अंदाज से कहा कि ये नई परिपाटी अच्छी नहीं। मुझे कहा निकल गए। मैंने कहा कि भाई ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि जिन चीजों को, एक तो ये है कि कोई कंपल्सन नहीं है, है ना, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में लोगों को फर्क मालूम नहीं है। मैंने कहा जब वो जरूरी नहीं है तो उसको क्यों जरूरी कर डालते हो? बताओ, अगर किसी ने जरूरी कहा है, संविधानिक कोई अगर वो अनिवार्यता है, तो मैंने अगर उसका पालन नहीं किया है तो यकीनन है कि खराब बात होगी। हमारे बुजुर्गों ने अगर किया हुआ था और हमने उसका पालन नहीं किया होता तो हम यकीनन है कि मुजरिम होते। लेकिन आपको कह रहा है बहुत अच्छी बात है, आप निरामिस हैं, अच्छी बात है, और कोई निरामिस नहीं है तो उस पर भी आपको एतराज नहीं होना चाहिए। हमारा जो सेकुलरिज्म तो वो यही है ना कि जियो, जीने दो, सबके आस्था के भी, सबके अकीदे का भी, सबके रस्म रिवाज को बाकी रहने दो। हमारा जो सेकुलरिज्म का डिफिनेशन है वो अधर्मी नहीं है, बल्कि अपने धर्म का पालन करना, दूसरे के धर्मों का, आस्था का, कल्चर का एहतराम करना, आदर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे यहाँ जब ये कल्चर नहीं है तो आप मेरा सम्मान कीजिए, आप कर रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। विधानसभा के कहें तो सबसे बड़े गार्जियन स्पीकर होते हैं, उस गार्जियन की बात आप भी मानते हैं। मुझे याद है कि जब आपको विधानसभा में शपथ के बाद पहली बार बोलने का मौका मिला तो आपने धन्यवाद उनको भी दिया और ये भी कहा कि आप बराबर मुझे मौका जरूर देंगे। आपने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें कहा था। उसके बाद हमने देखा कि आपकी एक स्पीच भी हुई थी, शायद 3 मिनट आपको समय दिया गया था, एक छोटी सी स्पीच थी जिसमें आपने सीमांचल को लेकर बातचीत की थी। लेकिन जब वो स्पीकर कहते हैं कि विधानसभा के अंदर हम ये नई प्रक्रिया शुरू करेंगे, या तो उस वक्त विरोध हो, उनको भी गार्जियन के तौर पे माना जाना है कि अगर नई परिपाटी शुरू हो रही है तो इस विरोध को बड़ा नहीं किया जाना चाहिए। यकीनन है कि बड़ा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन गार्जियन की जिम्मेदारी है कि कोई नई बात अगर लाते हैं तो विधानसभा नियमावली से चलता है, नियमावली में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर नई चीजें आप लाना चाहते हैं तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है, उसमें यह बात लानी चाहिए, और अचानक आप ला दिए तो मैंने हाउस में नहीं, मैंने बाहर जाकर लोगों ने पूछा, तब आप जैसे लोगों ने पूछा, तब मैं निकल गया। अब यह तो मीडिया का काम है, मिर्च मसाला कितना लगा यह आप लोग भली भांति जानते हैं, क्यों निकल गए? मैंने कहा कि मैं नहीं करता भाई, जो करते हैं मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन उसी को बढ़ा चढ़ा करके। और मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में इन मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए, लोगों की बुनियादी जरूरतों पर बहस होनी। चलिए उस पे भी हम आएंगे, बुनियादी जरूरतों पर बहस होनी। मैं उनके बारे में कह रहा हूं, आपके बारे में नहीं। जिन लोगों ने उसको तीर का तार बनाया उनके सामने बुनियादी मसाइल नहीं है, इसी वजह से उन लोगों ने इन चीजों को बड़ा बहस का मुद्दा बना दिया। ये आज बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो खाए, जो पहने, जो रहे, जिसको जो आजादी है उस आजादी को बरकरार रहने दीजिए, और सोचिए अपने देश के बारे में, सोचिए अपने राष्ट्र के बारे में, सोचिए शिक्षा के बारे में, सोचिए गरीबों के रोजगार के बारे में, सोचिए शांति और सौहार्द के बारे में। तो ये हमको सोचने की जरूरत। चलिए, आपको मतलब बिहार में कहा जाता है कि आप ओबीसी के राइट हैंड हैं, मतलब बिहार में अगर AIM को किसी ने जिंदा किया तो उसके पीछे कहा जाता है कि भाई वो अख्तरुल ईमान है जिन्होंने पार्टी को इतना बड़ा कर दिया, और हर विधानसभा चुनाव में भी अब आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपके सामने आपके हाथ से आपके विधायक छिटक जाते हैं, और बाद में खबर निकल कर ये भी आती है कि सबकी आपसी सहमति थी सब, और आखिरी फैसला नीतीश कुमार ने लिया तब वो RJD की तरफ चले गए। तो क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है? एक तो पहले ये है जी, क्षमा कीजिए, कि हमारे लोग छिटक नहीं गए, हमारे लोग उचक लिए गए।
घर की बर्बादी में दो होता है, बेटा आवारा हो जाए तो घर बर्बाद हो जाए, या डाकू लूट ले तो घर बर्बाद हो जाए। तो मेरा घर लूटा गया है, मेरे लोग धमकाए गए हैं, खरीदे गए हैं, बहकाए गए हैं, फुसलाए गए हैं, और इनका भी जमीर कमजोर था, ये बाजार में बिक गए हैं। और मामला ये है कि दूसरी पार्टियों को नहीं तोड़े इस मामले में, आप जैसे पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा कि गंभीरता से सोचिए कि दूसरी पार्टियां नहीं तोड़ी जाती हैं राजद द्वारा, मेरी पार्टी क्यों तोड़ी जाती है? मामला यह है कि अगर आप आकलन करेंगे तो 90 से पहले एक दो इधर उधर की पार्टियां लड़ती थी, अगर वर्चस्व था बिहार में तो वो कांग्रेस का था। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल बना, जनता दल तो सबकी पार्टी थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जादवों के नेतृत्व में पार्टी, तो आप देखेंगे कि जादवों की हालत बड़ी अच्छी हो गई क्योंकि उनकी पार्टी बनी, और उन्होंने समझिए कि 43 इयर्स बैक का जितना भी उनका कर्जा था वो चुका दिया जादव भाइयों को। और फिर इसी तरह आप देखेंगे उससे पहले पासवान भाई की पार्टी बनी, दूसरी पार्टी बनी, लेकिन 75 सालों के दरमियान में माइनॉरिटी के दरमियान में कोई अपनी अलग पार्टी नहीं बन पाई, और माइनॉरिटी की हालत सबसे खराब है, तो उसके दरमियान में से पार्टी निकल के आई। तो वो लालू जी जो कहते हैं कि दलित उठो, शोषित उठो, वंचित उठो, अकलियत के लोग उठो, अपनी लीडरशिप पैदा करो, ये शब्द अगर उनके पवित्र शब्द अगर दिल के शब्द थे तो कम से कम लालू जी को हमारी पार्टी नहीं तोड़वानी थी। और आपको मैं कह दूं कि जो आपके खबर नहीं थी, खबर थी हम लोगों को, खबर मिली भी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सुदीन अवेसी साहब ने हमारे एमएलए को बुलाया भी था, कुछ लोग बहाना करके नहीं भी गए, जो गए भी तो वहां उसने कहा कि आपने मुझे जीवन दान किया है, उनकी स्पीच अभी मौजूद है वहां पर। शहनवाज साहब ने वहां बिल्कुल मिलाद की महफिल में कहा कि साहब मैं तो आपके साथ हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता, इस अंदाज की बात उन्होंने कही। लेकिन मामला देखेंगे कि इन लोगों ने हमारे लोगों को तोड़ा इसलिए कि इन लोगों को अकलियत की लीडरशिप पसंद नहीं है, है ना? और लालू जी से हम लोगों ने जाके कहा था, मैं था, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी आफताब अहमद इंजीनियर थे, हमारे यूथ प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब थे, हम लोग लालू जी की खैरियत मालूम करने के लिए गए और अवेसी साहब का सलाम भी पहुंचाया, और इत्तेफाक से तेजस्वी जी भी वहां पर थे। जब हम लोग आने लगे तो कहा कि सर एक निवेदन और भी करनी थी हम लोगों को, ये बातें आ रही हैं कि पार्टी तोड़ी जा रही है आप लोगों की तरफ से। सर आपको याद होगा कि मैंने, तेजस्वी जी भी थे, मैंने कहा इलेक्शन लड़ने से पहले भी हमने आपसे कोशिश की थी कि कोई थोड़ी से पैसे हमको भी कहीं दे दीजिए, इस पर दे दीजिए हमको, आपने सुनी अनसुनी कर दी। जब हम जीत के पांच आए और आपके आंकड़े पूरे नहीं हो रहे थे तो आपने बार बार मुझे कहा, मैंने कहा कि सर आप मेरे गुरु समान हैं और आपके आदेश का हम पालन करेंगे, लेकिन चूंकि मैं अवेसी साहब के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा हूं तो अवेसी साहब से अनुमति लेनी जरूरी है, मैं वकालत करूंगा सर आपकी तरफ से, और मैं आपके अलावा किसके साथ रह सकता हूं। फिर उन्होंने अवेसी साहब से बात करने की कोशिश की, अवेसी साहब से बात नहीं हो पाई, मैं हैदराबाद गया, अवेसी साहब ने कहा मैंने विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनल सपोर्ट कर दीजिए आप लालू जी को, है ना? और मैं आया और मैं फोन भी पर कह भी दिया मैं कि सर अवेसी साहब ने कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं, 118 आप लाइए, हम पांच आपके साथ हैं। हमने कह दिया, मैंने कहा सर सरकार बनाने में भी हम आपके साथ थे। दूसरी बात यह है कि जब हाउस में इलेक्शन हुआ, इसका नौबत आई, क्या कहते हैं, नहीं विधानसभा अध्यक्ष की, मैं आपके साथ खड़ा था, और पूरे का ये जो अब तक का जो समय गुजरा है मैं तमाम तर मुद्दों में आपके साथ हूं, मेरे साथ दिक्कत कहां है? आप मेरे दो चार को तोड़ना चाह रहे हैं, हम तो पांचों आपके समर्थन में हैं। लेकिन मामला ये था कि उनको हमारे समर्थन की नहीं, उनको दरअसल अकलियतों के दरमियान जो लीडरशिप खड़ी हो गई है इससे दिक्कत है कि ये तो हमारा वोट है, गारंटेड वोट है हमारा, और इसको रास्ता अलग मिल गया है। हम तो इनके मुद्दे न भी सुलझाते हैं तो बीजेपी का डर दिखाते हैं, और मुर्गी जिस तरह से डरवे से निकलकर बोड़े में घुस जाती है, पानी के छींटे उन पर दे दो, तो जब बीजेपी का खौफ इनको दिखाते हैं तो बगैर किसी कंडीशन के हमारा सपोर्ट कर देते हैं। तो इनके लिए तो एक नई पगडंडी इसने बना दी, तो उसने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक एतबार से तो ये बड़ा पाप है। तो क्या आपको कोई ऑफर नहीं आया कि उधर से कहा जाए कि अख्तरुल ईमान साहब भी आ जाएं, चूंकि आप बिहार तक पड़े हैं? देखिए, तो लगता है कि ऐसी तो बात नहीं हुई होगी, और आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं लालू परिवार से, ये भी मैं जानता हूं, तो ऐसे में ये बात आई जरूर होगी। उस वक्त आपने कैसे स्टैंड लिया कि नहीं मैं तो ओवैसी जी के साथ ही? देखिए, लालू जी का मैं आदर और सम्मान करता हूं, ये लोग मेरी तबीयत से वाकिफ है। किसी चूर चक्के से बेटी का रिश्ता होना ही बदकिस्मती नहीं है, उनका न्योता भी आ जाए तो ये भी बदकिस्मती है, ये भी है। और मैं समझता हूं कि मेरा जो पॉलिटिकल कैरेक्टर, बात कर रहे हैं, हाँ, मेरा जो पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है
किसी ने ऐसा संदेश देने की हिम्मत भी नहीं की। वो जानते हैं अख्तर रहमान को, वो जानते हैं अख्तर रहमान को कि अख्तर रहमान लोग लालच और खौफ से न बिक सकता है न भटक सकता है। मैं एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं दलितों पिछड़ों और अकलियतों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये पार्टियाँ आज सत्ता के निज स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है, और मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो लोग जो लोगों को जनता की लड़ाई और सीमांचल के हित से प्रेम नहीं है, वो हिम्मत नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा करने का। आपके नाम में ही ईमान जुड़ा हुआ है और आपने उसकी बात भी कर दी। 2020 के बाद बिहार का राजनीतिक समीकरण बदला, सीमांचल का राजनीतिक समीकरण बदला और ओबीसी का उदय हुआ, जिस तरह से 5 सीट आप लेकर के आए, पार्टी टूट गई उस पर तो आपने जिक्र कर ही दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आपका कौन है? चूंकि अब आप आरजेडी के भी विरोध में बोल रहे हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी तो है ही, आरजेडी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए विरोध, मेरी लड़ाई इन पार्टियों से वैचारिक तौर पर तो है कि हम बीजेपी की कभी भी हिमायत नहीं कर सकते। बीजेपी की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो एंटी माइनॉरिटी है, बल्कि मैं तो कहूं कि देश के हित में भी नहीं है, अब किसी जाति के हित में नहीं है। जिसको सर कंगाल कर दिया उसने देश को, तो किसी के हित में नहीं है। धार्मिक उन्माद और नफरत की आग में अपनी सियासी रोटी वो सेक रहे हैं, लेकिन मेरा मामला निजाम से है, सिस्टम से लड़ाई हमारी है। कि राजद वाले भी जो लड़ते हैं अपने आप को सेकुलर कहते हैं, दो नारे आपने बिहार में सुने है ना, सामाजिक इंसाफ और इंसाफ के साथ तरक्की, ये नारे पिछले 32 साल हो गए पैदा हुए। लेकिन आप बता दीजिए कि सामाजिक इंसाफ में समाज किसको कहते हैं, सारे लोगों के समूह को या विशेष समुदाय को? तो आप बता दीजिए इन 15 सालों में और इन 17 सालों में इन दोनों नारों में माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं, इन दोनों नारों में सीमांचल कहाँ खड़ा है? लेकिन ये सवाल आपका जायज है, लेकिन ये भी है कि बिहार में शांति तो रही, शांति तो बनी रही, कभी भी इस तरीके की खबरें सुर्खियां नहीं बनी, कभी भी किसी ने हाँ उन्माद फैलाने की कोशिश भी की तो वो तुरंत उसको कवर अप किया गया, या चीजें खुद मतलब कई कहानियां हैं, मतलब आपने तो देखा होगा, हमने तो पढ़ा है कि लालू यादव खुद वहां गए, उन्होंने खुद भीड़ को शांत कराया, जो बेस्ट उनके एसपी होते थे उसको वो भेजते थे। इवन नीतीश सरकार में भी ऐसा हमने देखा कि किसी तरीके की कोई घटना बिहार से कभी रिपोर्ट नहीं हो रही है। देखिए बिहार की जनता को साधुवाद दीजिए कि बिहार में जातीय राजनीति हो लेकिन उन्माद की राजनीति नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग साथ हैं। कि वहां लोग गुजराती अंदाज को पसंद नहीं करते हैं, वो वोटों का एक समीकरण था जिसकी वजह से इन लोगों को मौका मिल गया। लेकिन ये बिहार की अपनी खूबी है कि बिहार के लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, और जाहिर है कि जो लोग कुर्सियों पर बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मामला मौत सिर्फ तलवार के काटने से नहीं होती, गर्दन से शरबत में जहर देने से भी मौत हो जाती है। आप कहेंगे कोई हंगामा ना हुआ मर गया, तो नेचुरल डेथ नहीं था। मामला ये है कि आप देख लें वहाँ दूसरे सिस्टम से, आप देख लें सरकारी जो पॉलिसियाँ बन रही हैं, डेवलपमेंट के जो उनके फिगर्स हैं, डेवलपमेंट का जो उनका रोड मैप है, आप उसमें देख लीजिए सारी चीजें आज डेटा बेस्ड हैं। और आप देख लीजिए नौकरियों में, इधर जो नौकरियां मिली इन 32 सालों के दरमियान में, मैं कहता हूं कि जो लोग बिहार में 12% यादव भाइयों की आबादी है और 18% 17% माइनॉरिटी की आबादी है, आप देख लें यादव भाई को कितना मिला और माइनॉरिटी के लोगों को कितना मिला। जबकि पूरे तौर पर मैं कहूंगा दावे के साथ ये बात, और आप भी तस्लीम करते हैं, खुद लालू जी ने तस्लीम किया है कि राजद का मतलब ही था माई, यम और वाई दोनों खंभे, एक खंभा तो घुन लगकर खत्म हो गया, एक खंभा बहुत सेहतमंद हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप देख लीजिए नीतीश जी के जमाने में क्वेरी कुर्मी बिरादरी को यकीन है इंसाफी उनके साथ हुई है। मैं साधुवाद देता हूं कि पार्टी बनी, ये पार्टियां बननी जरूरी थी। जिस तरह से यादव भाइयों को अहिर बनाकर रखा गया था, लालू जी ने बड़ा उत्थान किया, मैं साधुवाद देता हूं। एक जमाने तक क्वेरी कुर्मी भाइयों को उसका अधिकार नहीं मिला, मैं साधुवाद देता हूं कि नीतीश जी ने उस समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन क्या माइनॉरिटी को भी जगह मिली? माइनॉरिटी का बजट बढ़ा, माइनॉरिटी के इश्यूज पर बात की, माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी मिली, माइनॉरिटी के लोगों को, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको कि साहब 2015 का जो इलेक्शन हुआ, महागठबंधन की पैदाइश हुई है ना, उस महागठबंधन ने 41% वोट हासिल किए, कितने 41%, और मुसलमानों ने जो वोट दिया माइनॉरिटी के लोगों ने उसमें कितने लोग हैं 18% में 17%, माने उनका 0.5% वोट इधर उधर गया होगा। टोटल वोट दिए, गंगा स्नान तो नहीं कहूंगा लेकिन गुसल और वजू करके वोट दिए कि एकदम बिल्कुल साहब जिताना चाहिए इनको, जीत गए साहब। उस 41% में माइनस करता 17% तो 24% उधर रहे। उस 24% में 25 मिनिस्टर्स बने, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, सारे टॉप मिनिस्ट्रीज उसमें रही, बल्कि ड्यूल चार्ज भी रहे
तीन तीन मंत्रालय रहे, 34 मंत्रालय उनके पास रहे, और माइनॉरिटी को क्या दिया आपने, 24% में 34 मंत्रालय आपने दिए, और सारे टॉप मिनिस्ट्रीज आपने दिया, एक माइनॉरिटी के आदमी को आपने डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया, और 18% जिन्होंने वोट दिया आपको उनको 4 मंत्रालय दिया आपने। क्या दिया? एक दिया खुर्शीद आलम को आपने गन्ना, जो चंपारण से बाहर उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मरहूम गफूर साहब को बनाया, कब्रिस्तान का मंत्री बनाया, 500-550 करोड़ का बजट है और 200 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। एक बनाया आपने अब्दुल जलील मस्तान साहब को, शराब का मंत्री, कतरा कतरा हराम है मियां लोगों पर। और एक मंत्री बनाया आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को, फाइनेंस मिनिस्टर। आप लोग समझते थे कि साहब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है हमारा, ये परिपाटी रही कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कमर्शियल टैक्स भी रहा, लेकिन कमर्शियल टैक्स भी उनसे काट लिया गया, और उनकी हालत तो हो गई सेठ जी के मुनीब की, कि पुर्जा दो तो भीख दो, 5 रुपए 2 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हो अपने से, ये जाकर कहीं नाला भी नहीं बना सकते। आप ये बताइए इंसाफ क्या क्या लोगों ने, इसी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जमहूरियत में लोकतंत्र में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो कहाँ चला गया? नौकरियों के आंकड़े देख लीजिए, डेवलपमेंट अभी सीमांचल में देख लीजिए, मजदूर का हब बना हुआ है, 70% यूथ जो है हमारे, मैंने दुल्हन के हाथ की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं होता और पंजाब में धान काटने के लिए आ जाता है, माँ सिसक सिसक कर मरती है गाँव में और बेटा बिलक बिलक कर रोता है दिल्ली में, छोटे छोटे बच्चे आप देख लीजिए चाइल्ड लेबर्स में, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे दिल्ली में पंजाब में होटलों में पोछा मारते आएंगे, उसमें दावे के साथ मैं कह सकता हूं 10 बच्चे पकड़े जाएंगे तो 8 बच्चे सीमांचल के होंगे। तो ये जो हमारा हाल करके रखा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला है साहब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इन कांग्रेसियों ने सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पर लाया, और बड़े हमदर्द थे ये हमदर्द नहीं थे, जब बीजेपी की लहर चल रही थी ये रिपोर्ट का के दर्शाया कि तुम जो कहते हो कि हम माइनॉरिटी अपीजमेंट का काम करते हैं, देखो सच्चर और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, इन 60-65 सालों में मैंने इसको कहां पहुंचा दिया है, फर्क यह है कि तुम गर्दन काटने पर यकीन रखते हो और हम शरबत में जहर मिलाकर मारते हैं, इनको हमने आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं उसी बात करता हूं, अलीगढ़ का कैंपस 5 कैंपस बनने थे, महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत रही साहब, आप जमीन नहीं दिलवा सके कांग्रेसी, और वहां पर भी किशनगंज में हम लोगों ने जमीन ली तो वहां की हुकूमत नीतीश बाबू चाह रहे इंसाफ के साथ तरक्की हो, क्या हमें नहीं चाहिए था वो जमीन, लड़ाई लड़कर के लोगों ने ली, लाखों लोग सड़क पर आए, उसका भी मुकदमा खत्म हुआ है, लाखों लोग सड़क पर आए जमीन मिली, और उसके बाद 2011 के दिसंबर को एग्रीमेंट साइन होता है जमीन का, 12 को 13 को कांग्रेस की हुकूमत रही, आपने राशि नहीं दी, बात को सिर्फ एक टोकन ग्रांट किया आपने सिर्फ इलेक्शन हवा बनाने के लिए, और आज तक बिहार गवर्नमेंट ने उस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में चाणक्य यूनिवर्सिटी बन जाती है दलितों से भी स्थिति खराब है मुसलमानों की, और इवन ये भी है कि 4% मुस्लिम युवा भी ग्रेजुएट नहीं हो रहे हैं, इस तरह की रिपोर्टें आई, उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, उस रिपोर्ट पर पहल करवाने के लिए जमीन पर आप कब उतरे, ओबैसी साहब जमीन पर कब उतरे, ये बात भी तो क़िलियत समाज आपसे पूछेगा ना। टीवी बहसों में और सिर्फ राजनीतिक बहसों में अगर आप ये बात करेंगे तो दबे कुचले मुसलमान जो सीमांचल के मुसलमान हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ सवाल है, और जब आप ये बात कह रहे हैं तो इस पर भी जवाब दीजिए, और बिहार तक के दर्शक इसे देखेंगे और वो अकलियत समाज के दर्शक इसे देखेंगे कि अख्तरुल्लिमान साहब ने और ओवैसी साहब ने सड़क पर जमीन पर कितना मेहनत किया उन लोगों के लिए। देखिए एक बात तो मैं कह दूं कि सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के ताल्लुक से पूरे देश भर में मातमी जलसे जितने किए माइनॉरिटीज़ के लोगों ने, उतने किसी इशूज पे नहीं किए, और ये सिर्फ सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा, हम जो माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं पार्ट ऑफ सचर कमेटी, हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं पार्ट ऑफ सचर कमेटी, हम जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बढ़ाने की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ सचर कमेटी, तो नौकरियों की हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ सचर कमेटी, तो हम तो सारी बात कर ही रहे हैं, अलग से हम टुकड़े टुकड़े को करके हर मुद्दे को ला रहे हैं, और मेरे नेता से ज्यादा माइनॉरिटी की इशू पर बात कौन कर सकता है, पूरी लड़ाई उनकी इसी मामले में चल रही है, और पूरी लड़ाई सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये मसला माइनॉरिटी का नहीं है, ये देश का मामला है। कभी कहा था सर सैयद अली रहमान ने कि भारत का मामला एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और हिंदू और मुसलमान उनकी दोनों रसीली आंखें हैं, किसी एक आंख को तोड़ दोगे तो हमारी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। अगर आप एक महान भारत, एक विशाल भारत, एक विकसित भारत अगर बनाना चाहते हैं तो सबका उत्थान होना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों को नजरअंदाज किया, ये तो यूसुफ हमसे ज्यादा लड़ाई किसने लड़ा, कौन बात कर रहा है माइनॉरिटीज के नाम पर, शर्मा रहे हैं लोग, माइनॉरिटी के लोगों को सेकुलर पार्टियां आगे में कुर्सी में बैठाने में शर्माने लगी हैं, माइनॉरिटीज के इशू पर बात करने से उनको ऐसा लगता है कि मेरा हिंदू वोट खिसक जाएगा, उस पर बात करने से कतरा रहे हैं वो, ये सारी चीजें आप देख लीजिए, जो उनका हिस्सेदारी होनी चाहिए, मिनिस्ट्रीज में क्यों नहीं हिस्सा मिलता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पार्ट ऑफ सचर कमेटी, मैं जो अभी कर रहा हूँ
कि 18% हमारी आबादी है, 18% हमने वोट दिया और हमको आपने चार मंत्री बना के रखा, ये किसका पार्ट है? वही सचिव कमेटी का पार्ट है। तो आप करें नहीं लड़ा हूं, मेरी लड़ाई उसी पर है, मेरी बुनियादी वही है। अख्तरुल इमान जी, जैसा कि अभी आशीष ने भी कहा कि आपके नाम में ही ईमान है और आपने काफी अच्छे से बताया भी कि आपकी तबीयत के लिए लोग जान दे जाते हैं आपको, तो एक बात बताइए आज बिहार तक पे आप ये चीजें क्लियर कीजिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए जुटे हुए हैं, सभी विपक्षी एकता को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में ओवैसी साहब अख्तरुल इमान उनका समर्थन करेंगे? देखिए, मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार का कोई बेटा आगे बढ़ता है तो उनका समर्थन किया जाना चाहिए और वो भी बीजेपी से अलग होकर। तब अब बीजेपी के साथ रहेगा तो बिहार का क्या, अपना भाई भी रहेगा तो उसका हम साथ नहीं दे सकते, हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इस वक्त देश को जरूरत है, हम लोगों ने पहले भी ये कहा था, हमारा 2019 का प्रेस आपके पास मौजूद होगा, हम लोगों ने बिहार में कहा था फासिस्ट हुकूमतों को हटाने के लिए कोई एक पार्टी देश में सक्षम नहीं है, आज लाइक माइंडेड पार्टियों का जरा सा एक समूह बनना चाहिए। यह दावत हम लोगों ने कल भी दी है, आज भी दिया है और हम लोग चाहेंगे कि एक दूसरा घटक बने और इन लोगों को सत्ता से बर्खास्त किया जाए। ये तो मेरे नेता की पुकार भी है और हम लोगों का विश्वास। तो मतलब आप ये मान रहे ना कि नीतीश कुमार को आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी, अगर कहेंगे तो आप समर्थन देंगे, लेकिन एक बात ये बताइए आप, ये यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जिनका समर्थन करने के लिए आप कह रहे हैं वही महागठबंधन के नेता बार बार कभी वोट कटवा का नाम देते हैं आपको, कभी बीजेपी की बी टीम कह देते हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, निज स्वार्थ और जन स्वार्थ, राष्ट्र स्वार्थ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उनके सामने वो जितनी भी गालियां मुझको दे रहे हैं वो अपने निज स्वार्थ के खातिर दे रहे हैं, और मैं जहां भी उनका समर्थन कर रहा हूं राष्ट्र को देखकर और जनता को देखकर समर्थन करूंगा, उनका रूप देखकर नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि बड़ी बुराई से मुकाबले में छोटी बुराई को साथ दो अगर नहीं मिला है, एक तरफ बहुत ही गंदा पानी हो, एक तरफ बगैर फिल्टर का पानी हो, और बिल्कुल फिल्टर वाला पानी न मिले तो आप गंदा पानी नहीं पियेंगी, बगैर फिल्टर किया हुआ पानी पी लेंगी। लेसर इविल पर पूरी जीवन इंसान की चलती है, है ना? आप बस पड़ाव पे गए हो, बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है लेकिन उसमें से जो ज्यादा अच्छी है उस पर सवारी करते हो, तो हम लोग लेसर इविल पर अमल करते हैं और जब तक प्रयास भी करते हैं कि अच्छे और पवित्र राजनीति हो, लेकिन जब तक है कि इनका हम साथ देंगे इस मामले में बीजेपी। आपको मैं कह रहा हूं कि मेरी कथनी नहीं है, मेरी करनी आपने देखी होगी, मेरी पार्टी तोड़ी गई, मेरा मातम है, उसके बावजूद भी बीजेपी के खिलाफ वो खड़े हुए, तो मैंने कहा कि चूंकि बड़े दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो मैं आपका समर्थन दे रहा हूं। आपने देखा मेरी कथनी नहीं, मेरी करनी भी देखी। वोट कटवा जो आपको नाम दिया गया है, हर कोई चुनाव लड़ता है, किसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन जहां भी AIMIM की एंट्री होती है सीधा सीधा वोट कटवा कह दिया जाता है, इस नाम पे आप क्या कहेंगे? इसी से जुड़ा एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं। आप कहते हैं कि मेरी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन आप इसे अगर दूसरे तरीके से देखें तो आप मदद तो कर देते हैं उनकी जीत में, गोपालगंज में जीत हो गई 1700 वोटों से। और दूसरी बात, आपने कुढ़नी में उम्मीदवार उतारा, फिर ये कहा जा रहा है कि ये जितना ज्यादा वोट काटेंगे वहां पर बीजेपी की राह उतनी आसान हो जाएगी। अगर बीजेपी की राह में कोई मुश्किल है तो वो है कि AIMIM वोट काट ले बस वहां। अच्छा, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे दूं कि मुझे वोट कटवा कहते हैं लोग। ये बताइए कि भारत में कौन सा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जहां वोट कटवा पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता होगा, कि वोट काटने के लिए पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वोट काटे। मैं ये जुमले बाजी है, ये जुमले किनके हैं? ये जुमले उनके हैं। सवाल का जवाब तो आप ही देंगे ना, ये राजनीतिक सवाल है। और मैं ये कह रहा हूं, मैंने पार्टी रजिस्ट्रेशन कराया पार्चून की दुकान करने के लिए नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए किया है। आप मुझे आज कहते हैं कुंडी के बारे में, मैंने 2005 से थे क्या के ये किसी के बारे में इस तरह बहस चली? 2005 से लेकर 17 तक तो बीजेपी के लोग थे, आपने किसी को वोट कटवा कहा? हम ही को सिर्फ, यानी कि माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी नहीं हो, समाजवादी लड़ जाए कोई बात नहीं है, दूसरे अब राजद और बीजेपी ये लड़ जाए, जदयू एक साथ कोई बात नहीं है, मायावती जाके लड़ जाए कोई बात नहीं है, सन ऑफ मल्ला जाके लड़ जाए कोई बात नहीं है, सन ऑफ मांझी जाके लड़ जाए कोई बात नहीं है, सन ऑफ माइनॉरिटी लड़ा तो ये उटकटवा हो गया। क्यों उटकटवा हो गया? ये लोग माइनॉरिटी के वोट को जूते बना के रखना चाहते थे कि माइनॉरिटी के लोगों को अलग रास्ता नहीं मिले, ये मेन स्ट्रीम पे चलने नहीं दिया तो हमने अलग पगडंडी बना ली है और हम पगडंडी बनाना प्रयास करते हैं। और दुनिया में मुझे बता दो तो पैदा होते ही कौन बच्चा दौड़ने लगा था? माँ के गोद में, फिर आंगन में, फिर बस्ती में, फिर शहरों में दौड़ा है। हम लड़ते हैं, अभी गिरते हैं, पड़ते हैं और फिर बाहर होंगे। हमने सीमांचल में लड़ाई लड़ी, सीमांचल में हम जीत के आए कि नहीं आए? तो वोट कटवा थे हम वहां, तो वोट ही काटते ना, जीते मैंने, नहीं मैंने पहले सीमांचल में जीत के आए। और जब सीमांचल के जनता का मुझे विश्वास मिला तो बिहार में व्याकुल है लोग पार्टी को लाने के लिए। मैं जनता के इसी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं
लोग लड़ने के लिए व्याकुल हैं। निश्चित रूप से आपकी पार्टी का जो 2020 में उदय हुआ सीमांचल में एक बड़ा मैसेज, 2015 में हम लोग आए हुए, ठीक है आए, लेकिन 5 विधायक आपके जीत के आए। एक सवाल जब धर्म की राजनीति से उठती है तो लोग ये कहते हैं कि अवैसी साहब जो पॉलिटिक्स करते हैं वही पॉलिटिक्स तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी भी करती है। ये क्लियर करिए कि अवैसी की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स से कैसे अलग है जब धर्म की बात होती है। तो आप मुझे ये बताइए, ये तो जमीन और आसमान को एक जगह मिला रहा है, दरिया के दो पार्ट को एक मिला रहा है बीजेपी हमेशा होता है, और इसीलिए जितने भी पॉलिटिकल बहस होते हैं। जवाब दे रहा हूँ जनाब आली, चूंकि बहस को फेर देना, रुख को मेर देना तो बड़ी आसानी से आता है हमारे बहुत सारे साथियों को। मामला ये है कि मैंने किसी के मंदिर तोड़ने की बात की, मैंने गांधी के कातिलों का समर्थन किया, मैंने किसी नॉन मुस्लिम का मुस्लिम लीडर ने कभी तौहीन की, मैंने कभी किसी को लिबास से पहचाना, मैंने कभी किसी के शादी के तरीके पर रोड़े अटकाए, मेरा कोई एक मामला बता दीजिए। हम तो ये पांचों उंगलियां मेरी हैं, मैं अंगूठा अंगूठा चिल्ला इसलिए रहा हूं कि मेरा जख्म इसमें है, ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरा देश हमारा है, पूरे लोग हमारे हैं। चूंकि माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी हुई है, हम इंसाफ की तलब करते हैं, इसके साथ दुश्मनी की कोई बात नहीं करते। और बीजेपी एंटी माइनॉरिटी, अरे ये जुमला भूल गया कि माइनॉरिटी की बेटियों को जो कब्रिस्तान में सोई हुई हैं उनको उठाकर उनकी इज्जत लूटो, ये आपने भूल गए। अभी आपने आपने नहीं देखा कि देश की दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी 2002 के दंगे के बारे में एक्सेप्ट करता है कि हमने सबक पढ़ाया था? आप नहीं देख रहे क्या हमारे दरमियान में भी कोई उठे क्या? कहीं आप बता दीजिएगा किसी नॉन मुस्लिम के साथ अगर ज्यादती की हो तो कोई मुस्लिम लीडर उसका समर्थन क्या हो? हम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा कंपल्शन है। अगर माइनॉरिटी हो तो मेरा जो आस्था है वो ये है कि नाहक एक इंसान को कत्ल कर देना पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। और सच बोलो, चाहे तुम्हारे वो अपने हो या बेगाने हो, मैं तो न्याय की राजनीति करता हूं, मैं किसी से नफरत नहीं करता, ये देश सबका है तो कोई सबको लेकर मिलकर चलना चाहता हूं। और जो लोग नफरत की सियासत करते हैं और जो इंसाफ की सियासत करते हैं, स्टेटमेंट दोनों कभी कभी ऐसा आ जाता है, स्टेटमेंट कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पर बैटिंग करने लगते हैं। आप जिस मतलब रुख पे अभी चल रहे हैं, हमेशा यही रुख हमारा है, यही रुख हमारा है, यही जमीन हमारी है, यही आसमान। आपने आरआरबी एनटीपीसी वाले मुद्दे पे जब वो आंदोलन चल रहा था, आपने छात्रों का समर्थन तो किया, लेकिन आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो हिंदुत्व के एजेंटों की बहाली कर रही है। नहीं, उसमें केंद्र सरकार के पूरे बयान है, नहीं नहीं पूरा के आप देख लेंगे, केंद्र सरकार का पूरा मंशा ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं से एक ऐसी मुलाजमत जिस मुलाजमत में सबका होना चाहिए, परमानेंट बहाली होनी चाहिए। आप टेम्पररी बहाली करके क्या कर रहे हो? इनके सारे करतूत हमारे सामने है, वो तो ठीक है, सारे करतूत। आपका स्टेटमेंट था सारे हिंदुत्व के एजेंटों की बहाली की जा रही है। नहीं, उसमें उन लोगों को दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। आप 4 साल रखेंगे, 4 साल के बाद निकाल देंगे, आप देखेंगे मेरे मन का कौन है, मेरे मन का कौन नहीं है, क्यों ऐसा करेंगे? अब फरेज बहाली करो इसी वक्त करो, 4 साल के बाद निकालेंगे और पिक एंड चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? यानी जो आपका हितैषी है उसको रखेंगे और जो आपके हित को नहीं चाहता उसको निकाल देंगे? तो ये शक था मेरा और ये शक है आज भी, परमानेंट बहाली करो। देश की सुरक्षा परमानेंट मसला है, टेम्पररी मसला नहीं है। 4 साल के लिए चीन नहीं धमका रहा हमको। आपको हिंदुस्तान शब्द से भी आपत्ति है? नहीं, मुझको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमको है, लेकिन जो इसको हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं उससे तो दिक्कत है। और चूंकि जो भाषा हमने बोली जिसके परिपेक्ष में आप बात कर रहे हैं, वो मैं संविधानिक पोस्ट पे खड़ा हूं और असेंबली और पार्लियामेंट में संविधान का एहतराम करना जरूरी है, और संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं है, भारत लिखा हुआ है। तो मैंने संविधान को अक्षर से अगर पालन किया उसका, तो आपको साधुवाद देना चाहिए। उल्टी दिक्कत हो रही है। ये शेर पढ़ा किसी ने? बता दीजिए मेरे अलावा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम ये पढ़ते हैं। लेकिन आप जो मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ चीजों रहने दो जी, अरे देश कौन प्रेम करेगा हमसे ज्यादा? अल्लामा इकबाल ने राम को इमामुल हिंद कहा, हीरो माना उसने, है ना? और हमने यही कहा कि साहब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सब की जगह है, लेकिन हिंदू स्थान नहीं। और भारत संविधानिक शब्द है, और जब मैं ओथ लेता हूं तो संविधान का आदर और सम्मान करना जरूरी है हमको, हमारे लिए। तो इसमें दिक्कत क्या हो गई है? बल्कि आप तो उनको ललकारिए जो संविधानिक शब्द की जगह पर
दूसरे सबको बोलने के लिए कह रहे हैं, उन पर उंगली उठनी चाहिए, लेकिन उंगली उन पर नहीं उठती जो पीके भटक रहा है, उंगली उन पर नहीं उठती जो संवर के चल रहा है, उंगलियां उस पर उठ रही है। नहीं, आप आपका एक और बयान है, चूंकि मैं इस इन बयानों यकीन है, बहुत खुशी हो रही है हमको, आप अगर हमारी कमजोरियों को तलाश करता उससे अच्छा डॉक्टर कौन होगा। नहीं नहीं, एक और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जैसे बीजेपी में बचौल जैसे नेता है, तो मुझे लगता है एआईएम में आप भी कभी 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 उस लेवल पर चले जाते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक चर्चा चल रही थी, आपने उसमें एक बयान दे दिया कि भाई जिसमें जितना ये मर्दानगी की बात है, जिसमें जितना दम है वो बढ़ाए। सुनिए ऐसे जुमले, ये कैसी जनसंख्या वृद्धि को लेकर बयान है? जनसंख्या वृद्धि इसमें मैं पूरा बयान आपको सुनाता हूँ, आपने आगे इसको देखिए, ये जुमला नहीं था, आपने इसको कहा कि आबादी बढ़ाना मर्दानगी का काम है, जिसमें है वो बढ़ाए, आबादी कभी नुकसान नहीं करती, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ सबको जीने की आजादी है, कुछ लोग फिरका परस्त हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। अब इसमें देखिए दोनों बातें आपने कह दी है। देखिए सवाल यह पैदा होता है, बात गरचे बेसलीका हो, कलीम बात करने का सलीका चाहिए, मामला यह कि आपने इसको दूसरे अंदाज में लिया। मैं ये कह रहा हूं कि आबादी कहां से दिक्कत हो गई आबादी की, एक सोच है, एक थ्योरी है, तो उसको जरा सा आप अंधे तौर पर पैरवी मत कीजिए उसकी। अमेरिका में आज भी 5-7 बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, और सबसे यंग इंडिया है अभी, और ये जवानों की, युवाओं की, चाइना ने वही किया फॉर्मूला, बूढ़ा हो गया चाइना, और चाइना अब वृद्धि की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको याद ना हो तो पिताजी से पूछ लीजिए, गाँव में जो गाय 3 किलो दूध देती थी, दूर के रिश्तेदारों तक तो उसकी खबर होती थी, आज कितनी दूध दे रही है, 65 लीटर दूध दे रही है। सब्जियां नहीं मिल पाती थी, जब आप मरने पर होता था, माफ कीजिएगा मुझे, मैं गांव का आदमी हूं, सेब खाया लोग जब बीमार पड़े, और अनार कब खाया, वो अनार वो जैसे बूढ़ी औरत के चेहरे पिचक जाए, वो सूखा अनार जब मरने के लायक होता था तब खाता था। और आप जाइए गाँव में, आज काजू है और बादाम है, तस्तरी में नहीं है, प्लेट में है, है ना, और जो फसलें पैदा हो रही थी, 1 एकड़ में 10 क्विंटल पैदा हो रही थी, आज 60 क्विंटल पैदा हो रहा है। अरे हमने न्याय के साथ जो वितरण प्रणाली होनी चाहिए, आज धीरू अंबानी के पास पैसे रखने की जगह नहीं है। आपने बात को, कोई कुत्तों के लिए, कोई कुत्तों के लिए 56 कमरे बना रहा है, कोई कुत्तों के लिए 56 कमरे बना रहा है, और किसी को फुटपाथ पे सोने पर भी डंडे बरस रहे हैं। न्याय को स्थापित कीजिए, मेरी साफ सोच है, मेरी धार्मिक सोच है, ये कुतिया भी जो दूसरे के यहां हड्डी चुनकर खाती है, अपने बच्चे की हत्या नहीं करती है। आज का सब इंसान माँ के पेट में बेटियों को मारा जा रहा है, रेशियो घट रहा है, कहा जा रहा है इंसान सभ्यता के नाम पर, अपने सारी लग्जरी कर रहा है, एसी चला रहे हैं, दूसरे लोगों का आप गर्मी बढ़ा रहे हैं, दूसरों के हित का क्या ख्याल कर रहे हैं आप? लोगों के हित का ख्याल कीजिए, आबादी कोई मसला नहीं है, गांव में जाके देख लीजिए, बच्चे उनके एसेट हैं, वो कमाओ हो रहे हैं, कम बच्चे वाले वो समझ रहे हैं कि मेरा बेटा एक बच्चा गरीब है, मर गया तो मेरा कौन होगा, इलाज भी ठीक से नहीं होता, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, वो चाहता है वो गरीब कि मेरे 2-4 बच्चे हों, ताकि एक बच्चा मेरा कहीं हो भी जाए, दब भी जाए, कहीं एक्सीडेंट हो, दबा भी सके, मर भी जाए, तो मेरा कोई ना दूसरा बचे, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है, इसके लिए दिक्कत कहाँ है? आबादी कोई मसला नहीं है, ये उन लोगों का मसला है जो न्याय के साथ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी आप ये बात कह रहे हैं कि आबादी कोई मसला नहीं, नहीं दोनों तरफ की बात, मेरी नजर में तो कोई मसला नहीं है। तो फिर ये माना जाए ना कि जो चीज आपको सूट करती है उसको आप ऐसे ले रहे हैं, जो आपको सूट नहीं करती उसको आप छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपको ये बात नहीं, आपको अगर ये बात सूट करती है कि माँ के पेट में बच्चे मारे जाए, तो आप बिलासुबह आबादी मत बढ़ाइए। आपने भी क्या किया है, आपने तो कानूनी हक दे दिया है कि आप आइए, मर्द मर्द से शादी करे, औरत से शादी करे, लिविंग इन रिलेशनशिप, आपने सारी चीजों को मान लिया है, पुरानी परिपाटी तोड़ दी, क्या हो रहा है आज, लोग काट रहे हैं ना, आज काट रहे हैं ना, तो फ्रिज में बंद कर रहे हैं ना, मर्द मर्द शादी करे और औरत औरत शादी करने से क्या दिक्कत है? अरे उनको दोनों से दिक्कत है, ये नेचर के खिलाफ है। कैसे ये तो उनकी भी तो उनकी भी तो अपनी बात है ना, फिर अपनी अपनी बात, लोकतंत्र में तो सभी को जीने का अधिकार है जैसा कि आपने कहा, तो फिर उनको क्यों नहीं है भाई, उनकी भी अपनी चॉइस है, वो अपना नहीं जीने का हक है। हमारी दरमियान में दो चीजें हैं, एक तो कानून है, दूसरी बात परिपाटियां हैं, पुरानी रवायत है हमारे बुजुर्गों की, इन दोनों चीजों को सामने में आप रखिए, नेचर को भी सामने में रखिए। लेकिन वो व्यक्ति, ये नेचर की ही बात है, अगर वो व्यक्ति वैसा है तो इसमें आप, अच्छा मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को तो बचाऊंगा, अपने लोगों को बचाऊंगा, बहरहाल वो कहीं से भी आज देख रहे हो आप, उन लड़कियों का क्या होगा जिनको लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप में रखा, उसके बाद
सिर्फ वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर, आपका जुमला निश्चित रूप से गलत है तो दिल की बात है वही तो मैं कह रहा हूँ। लिव इन रिलेशन गलत नहीं है, लिव इन रिलेशन गलत नहीं है, 35 टुकड़ों में बांट देना गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, ये खबरें आती हैं, मैं ये कह रहा हूँ, पति पत्नी का जब रिश्ता होता है, बिल्कुल पति पत्नी का रिश्ता होता है, अपने संतान के बारे, अपने भविष्य के बारे में सामाजिक बंधन में बंधा हुआ रहता है। ये आवारागर्दी है, ये नैरो सोच है, ये आवारागर्दी है, और जिसने भी ऐसा किया है वो कौम तबाह हुई है, बर्बाद हुई। मैं कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, कौम का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, कौम का मतलब जो उस वक्त के लोग रहे हैं वो बर्बाद हुए हैं, उस पीरियड में जो लोग रहे हैं जिन लोगों ने नेचर के खिलाफ ये काम किया है, ऐसे लोग बर्बाद हुए, तबाह हुए हैं। नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, मैं ये समझा नहीं, मैं कह रहा हूँ उन बच्चों का कौन होगा जिम्मेदार जो लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होंगे, कल जुदा हो जाएंगे तो आप रोक के भी नहीं रह सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पति पत्नी अगर रिश्ते में बन जाते हैं सामाजिक तौर पर, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोनों बने रहेंगे। देखिए सवाल ये पैदा होता है, ऐसी खबरें हैं जहाँ अगर ऐसी शादी हुई है तो वहाँ भी ऐसी चीजें। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिनको पसंद आए वो कर रहा है तो उसको करने दो, जिनको जहर खा के मरना है उनको मरने दो। मैं तो लड़ता हूँ सीमांचल के लिए, मैं तो लड़ता हूँ अखिलेतों के लिए। सीमांचल की बात करते नहीं आप लोग, चलो एक बहस का मुद्दा वो भी है, उस पर कभी हम लोग बात करेंगे, मेरे सीमांचल के दर्द को समेटा ही नहीं आप लोग। हाँ, नहीं, मैं सीमांचल पे आता हूँ, सीमांचल में समस्या बहुत है, बंगाल से आपकी सीमा लगती है, लेकिन आप देखें तो सबसे पहले अमित शाह जब बिहार आते हैं, हर महीने आने की बात थी उनकी, दो महीने लगातार आए भी, पहली रैली सीमांचल में हो गई, तो ये कहा गया कि देखिए बंदर खाने सेटिंग हो गई है, सीमांचल का विकास भी होगा, ओवैसी साहब भी वहीं रहेंगे, लेकिन साथ में अब बीजेपी भी वहाँ अपना जो है गढ़ मजबूत कर लेगी। अब कहने वाले क्या कहते हैं, मैं तो ये समझता हूं। और उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए, आप सीमांचल से विधायक हैं, उन्होंने तमाम चीजें बताई कि यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ, और उसके पीछे की एक बड़ी वजह भी बता दी, क्या कि भाई ओवैसी साहब के विधायक को आप लोगों ने चुना, यहाँ पे पहले किसे आपने चुना, भले ही लोकसभा में वो आ जाए लेकिन विधानसभा में सरकार तो मदद ही नहीं कर रही इनकी, ये लोग आपकी बात नहीं उठाते, विधानसभा में बात नहीं रखते उनकी बात। आपको अगर याद होगा अमित शाह का भाषण, सुनिए मैं कह देता हूँ, अमित शाह का भाषण भी याद है, उनका पूरा राजनीतिक जो वो है देश के बारे में। मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसा साया है जिसके नीचे में कोई पौधा सही तौर पर उग नहीं सकता है, देश के अंदर में मोदी जी और अमित शाह जी एक ऐसा साया बना दिया है जो देश के विकास के सारे पौधे मुरझा रहे हैं, हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। मामला ये होता कि उनकी नेशनल पॉलिसी तो बन जाती ना माइनॉरिटी के बारे में, वहाँ जाकर उस स्थान पर जाके आप कर रहे हैं वहाँ के पिछड़ेपन की बात, राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी के स्कूल को क्यों नहीं सुलझा रहे हैं, सीमांचल में अलीगढ़ का पैसा रुका हुआ है सेंटर में, क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं, वहाँ जाकर के भली भली बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि इनके जाने के बाद वहां के लिए नुकसान की कुछ पॉलिसियां बनी होंगी, भलाई की पॉलिसी की हम कतन उम्मीद नहीं रखते, और मैं उस इलाके के पिछड़ेपन के लिए माइनॉरिटी लीडरशिप, वो लीडरशिप जो दूसरी पार्टियों के टिकट पे लड़के गए, वो अपनी पार्टी के जाकर वकील बन गए, जनता की समस्याओं की आवाज़ नहीं उठा सके, उस इलाके से माइनॉरिटी के MLA MP जीतते रहे हैं लेकिन अपनी समस्याओं के समाधान करने की कोई हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मेरा टिकट काट देगा। सबसे ज्यादा पलायन वहाँ, सबसे ज्यादा लोग अनपढ़ वहाँ, सबसे ज्यादा सैलाब वहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम कम वहाँ से है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वहाँ पर है, पानी की खराबी वहाँ है। अभी रिसेंटली अभी सेंट्रल एक टीम ने वो किया है वाटर डिपार्टमेंट के वहाँ पर अभी यूरेनियम 57% पाया गया है ना, वहाँ पर आर्सेनिक ज्यादा है, आयरन ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ दिल्ली में रिक्शा चलाता है आदमी तो गोड़ा हो जाता है, सीमांचल में नौरोज के दिन में भी चेहरा नहीं फिरता है ना, ब्लैक वाटर एरिया है ना, अंग्रेजों के जमाने में पनिशमेंट पोस्टिंग हुआ करती थी वहां पर ना पानी का मसला हल हुआ। आज भी आप देखेंगे, आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप पटना जाइए, पटना अभी फ्लाई ओवर से हो गया, मेरिन ड्राइव बन रहा है, 5-5 किलोमीटर पर गंगा में पुल बन रहे हैं, अपना बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार पटना ही है क्या? चलो मेरे क्षेत्र में डूब के मर रहे हैं हर साल लोग, दर्जनों लोग, 40-40 किलोमीटर पर पुल नहीं बने हमारे मालंदा में, 40-40 किलोमीटर पर परमार में पुल नहीं बने, मेची में पुल नहीं बने, और जानते हैं क्या हो रहा है कि ब्लॉक के हेडक्वार्टर की दूरी 5 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करके आनी पड़ती है। कोई आज भी बहुत सारी बस्तियां जहां एम्बुलेंस नहीं जा पाता, आज भी बहुत सारी बस्तियां समस्याएं तो हैं, ये पैदल निकल करके आती है सड़क पर, तब डोली में बैठती है, गाड़ी में बैठती है, नहीं इतना नहीं बूढ़े लोगों में। अब मैं कह रहा हूं कि हमको घोड़ा चट्टा मिले ही नहीं,
और तो सांवला ही सही है ना, लेकिन काले से तो परहेज नहीं, तो नहीं नहीं तो आपने क्या नीतीश कुमार से आपने मिसालन, अब मिसाल को समझ लो, मैंने कहा कि किसी को शेर का शेर की औलाद लगता है तो आपको ये जानवर की औलाद है। नहीं, नहीं, अरे मिसालों को मिसालों से समझिए, नहीं, नहीं, अब आप मिसालों को मिसालों से समझिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने सीमांचल के मुद्दे को लेकर, ये जो पानी वाला मुद्दा, ये रिसेंटली अभी इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ चूंकि अब गंगा वाटर जो है वो गया पहुंच गया, राजगीर पहुंच गया, तो क्या अख्तरुल ईमान साहब ने कभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की कि साहब कोसी का ही पानी हमारे लोगों के घरों में पहुंचा दो? सर मैं आपको बता दूं, अख्तरुल ईमान कहने पर नहीं करने पर यकीन रखता है। सीमांचल के एक एक मुद्दे को सदन के पटल पर लाकर खड़ा करना अगर किसी ने किया है तो ये मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा है कि अख्तरुल ईमान ने मजबूती से सारी बातें बताई हैं, इनकी आंखों के सामने मैं सारी बातें बताई हैं। अलीगढ़ की जो लड़ाई लड़ी थी, लड़ी गई, हमारी बड़ी भूमिका थी आदरणीय मरहूम असराउल हक कासमी साहब का, लेकिन गाँव में चीख चीख कर लोगों को जमा करने वाला ये अख्तरुल ईमान था। मामला यह है कि हम लोगों ने सारे मुद्दे, लेकिन सरकार मेरे लिए तो उनके कान बहरे हो गए हैं, है ना। म्यूजियम बना आप चाहिए पटने में 800 करोड़ का, और हमारे यहाँ 800 करोड़ में हमारी पूरी बस्ती जुड़ जाती। हम लोगों ने बाजपता कहा है कि हमको स्पेशल पैकेज दो, आप बिहार के बारे में स्पेशल राज्य की बात करते हो। मैंने सदन में कहा है कि बिहार पिछड़ा है और कौन अभागा बिहारी होगा जो आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आप दिल्ली की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तो आपसे मेरी विनती है कि सीमांचल भी बिहार में पिछड़ा है, सीमांचल के साथ इंसाफ करो। पहले इंसाफ करो तो फिर ऊपर से भी इंसाफ मिलेगा, और अगर हमारे साथ इंसाफ न करोगे तो ऊपर से भी इंसाफ की उम्मीद मत रखो। मैंने ये कहा, लड़ाई लड़ी। नीतीश कुमार का शासन काल रहा, उससे पहले लालू प्रसाद रहे, जो सामाजिक परिवर्तन का दौर कहा जाता है, लेकिन सीमांचल लगातार पिछड़ता चला गया। और इस बात जो आप कह रहे हैं, इस तर्कों में मैं और जोड़ता हूं, मैं खुद अररिया जैसे डिस्ट्रिक्ट में गया, वहां पर यह स्थिति थी कि आपको गाड़ी पकड़ने के लिए 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, मतलब ये स्थितियां हैं। अख्तरुल ईमान साहब, ये आपकी पार्टी अब आगे क्या करेगी, चूंकि चुनाव भी तो बहुत कम समय बचा हुआ है, मतलब 25 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, 24 में लोकसभा के और 25 में विधानसभा के, आपका मुद्दा सबसे ज्यादा प्रबल क्या रहने वाला है इसको लेकर के? देखिए, मेरा एक ही सिलेबस है, लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और मैं सत्ता के सुधार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी पार्टी में वो शक्ति नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनने का आपराधिक सपना देख सकते हैं, न वजीर आला बनने का मुजरमाना ख्वाब देख सकते हैं। हम लोगों को तिनके चुनकर ला रहे हैं उस अंधेरे में चिराग दिलाने के लिए, हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और वंचित अकलियत और महरूम तबके को इंसाफ दिलाने के लिए। हमारी पूरी लड़ाई, हम मंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखते, हम जनता की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, निज स्वार्थ की लड़ाई है, और हमारी लड़ाई अपने जनता के लिए है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लगभग कितनी सीटों पर उम्मीदवारी जताएंगे कि आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे? ये कबल तो अभी से चल रही है, महागठबंधन से बात नहीं बनी तो ये कबल अज वक्त होगा हमारे लिए कहना, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने हमें इजाजत दी है कि आप संगठन का विस्तार करो, और संगठन के विस्तार के बाद जहां हमारे लिए सुटेबल होगा हम लड़ेंगे, और सीमित सीटों पर लड़ेंगे पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में तो हम अच्छी खासी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो क्या ये भी माना जाए कि मतलब बिहार में अब तमाम दलों को ऐसा लगता है कि अकेले अपने बूते पर सरकार बनानी बड़ी मुश्किल होती है और चुनाव जीतना भी, तो आप भी समर्थन की उम्मीद करेंगे कि कोई बड़ी पार्टी समर्थन दे या छोटी पार्टियों के साथ ही बनाया जाए? इसके पहले ऐसा ही देखा गया है। देखिए भाई, मुझको लोगों ने अछूत बना के रखा है, क्योंकि देखिए सामंतवादियों का मामला ये होता है कि गरीब के बदन पे अच्छा कपड़ा है तो उसके बदन में नोच नहीं होती है, उनके घर में अच्छा पकवान बनाए तो उनके पेट में ऐठन होती है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी हो। हम तो, मेरा दरवाजा भी खुला हुआ है, मेरा दिल भी खुला हुआ है कि हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ, ये वोट कटवा कहते हैं तो वोट जरवाने के लिए शामिल क्यों नहीं कर लेते? मेरा दिल तो खुला हुआ, साफ बात बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम वोट काट रहे हैं, आप हारना है, तो फिर क्यों नहीं मेरे वोटों को वो कर रहे, समाहित कर रहे हो? गोपालगंज में भी अप्रोच नहीं किया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमें अछूत समझते हैं ये, हम लोग अछूत समझते हैं, हम लोगों ने कोई पाप कर लिया हो जैसे, कोई क्राइम कर लिया हो जैसे, अलग पार्टी में इलेक्शन लड़के आ गए। तो सवाल ये पैदा होता है, आप बीजेपी के वाकईतन अगर चाहते हैं फासिस्ट लोगों से, जब आप लालू प्रसाद के साथ थे तब ये बात आप उठाते थे उनके सामने? आप बता लीजिए, अरे रिकॉर्ड है, मैंने ये कहा कि हमारे किशनगंज की आबादी, मेरी एक छोटी सी रचना वो है स्टैटिस्टिक्स, वो हमने सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी सरकारी आंकड़ों की जबानी, मैंने दिखाया, मैंने सैंपल के लिए 4 जिले लिए, बेगूसराय को लिया, वैशाली को लिया, कैमूर के लिए, मुंगेर को लिया, और उतने ही जिले हमने अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज के लिए, और मैंने सदन में कहा, मैंने मुख्यमंत्री को, और उस वक्त थे पीके शाही साहब शिक्षा मंत्री थे, मैंने कहा आप कहते सीमांचल पढ़ता नहीं है, मेरा आरोप है कि आप पढ़ने नहीं दे रहे हो,
कहा कैसे? मैंने कहा कि देख लो आप, मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है, 17,000 की आबादी, 17 लाख की आबादी में मेरे 3200 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, और 13.5 लाख की आबादी मुंगेर में 15,000 बच्चों ने, 15,500 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। वजह यह है कि 13.5 लाख की आबादी के लिए आपने वहां पर 88 हाई स्कूल दिए, और मेरे 17 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 17 हाई स्कूल दिए आपने। आप हमें पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी मेरे बगल में बैठे थे, कह रहे गलत आंकड़े पेश कर रहे हो, मेरे क्षेत्र में 17 हैं। मैंने कहा एक एक स्कूल का नाम मुझे याद है। मैं साधुवाद देता हूं कि पीके शाही साहब ने लाया मामला कैबिनेट में और 30 हाई स्कूल मेरे एक साथ सेंशन हुए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं वहां भी चुप नहीं रहा कभी, वहां भी चुप नहीं रहा कभी। मामला यह है, सूर्य नमस्कार का जब मामला आया था आपने देखा होगा कि पार्टी मेरे पीछे खड़ी नहीं थी, लेकिन मैं लड़ा था। मैं शुरू से कहता हूं कि सेकुलरिज्म को बचाना है तो किसी के आस्था को आहत मत करो, जियो और जीने दो। सेकुलरिज्म का मतलब यही है, अपने धर्म के पालन करो, दूसरे का आदर। एक सवाल इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है आप अभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा पीके शाही से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने इस पर पहल भी करी, आपको नहीं लगता कि आप अगर साथ होते हैं महागठबंधन के तो ये चीजें, चूंकि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अकेले दम पे अभी आपकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं हुई है कि आप मुख्यमंत्री का बिल्कुल हम कभी निकल भी नहीं देखेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि अगर इन सब चीजों के साथ चला जाए, महागठबंधन के साथ चला जाए, या जो आवाज अभी राहुल गांधी उठा रहे हैं उनके साथ अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो आपके लिए भी और आपके मतलब समुदाय के लिए भी ये बेहतर काम होगा? देखिए मामला कब होता है, गिव एंड टेक की पॉलिसी हमेशा से रही है। आप दो कदम बढ़ो, दो कदम हम बढ़े, तभी ना मामला होगा। हम तो बढ़ के गए, हम दरवाजे पर गए, हम कहने के लिए गए, तेजस्वी से पूछ लीजिए, उनसे जाकर हमने मुलाकातें की, लालू जी से मिलने के रांची तक गए हैं, है ना भाई, चलो मिलके लड़ते हैं। मेरा मामला यह है कि मेरे माँ के दर्द के बारे में उनका बहन का बेटा उतना नहीं बता सकता जितना बेटा बता सकता है। अगर पासवानों के दर्द को पासवान जी बता रहे हैं, अगर यादवों के दर्द को यादव जी बता रहे हैं, अगर कुरी कुर्मी के दर्द को नीति जी बता रहे हैं, तो माइनॉरिटी के दर्द को हमको बताने की इजाजत दीजिए। लेकिन कहा नहीं, तुम्हारे दर्द की दवा भी हम ही करेंगे, मौका मिलेगा तो गांधी मैदान में ईद की नमाज हम ही पढ़ाएंगे, ये नहीं होगा। नहीं, सीमांचल ने दिखा दिया, सीमांचल ने आपको 5 सीट दिया। आखिरी मेरा दो सवाल कि कुडनी में क्या होने वाला है, क्योंकि सबकी नजर है कुडनी विधानसभा उपचुनाव पर, आपने उम्मीदवार तो अपना उतार दिया है, वहां भी कहा जा रहा है कि देखिए मैंने बस वोट काट लेंगे। बस मैं जहां जाऊंगा बदनामी मेरे सर है। मामला ये है कि भाई हम अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, आपने मुझे साथ नहीं लिया तो मुझे अपना रास्ता तलाश करना पड़ेगा, आप मेन सड़क पर नहीं चलने दीजिएगा तो मुझे पगडंडी बनानी पड़ेगी। और कुडनी के बारे में तो शब्द सबको कहते हैं, कुड़नी में जो हम लड़ने लगे हैं सभी लोग कुड़ने लगे हैं, है ना, गोपालगंज में हमने कोई चोट नहीं पहुंचाया, अपनी जमीन बनाई है हमने, किसी को झटका धीरे से तो दे दिया आपने। नहीं, मैं झटका क्यों दूं भाई, वो थे क्या, वो थे क्या झटका दिया, अरे बीजेपी कल भी थी वहां पर, झटका किस मार में, वो जीते हुए होते उसको हरा देते तब ना कहते आप हमको, है ना। मामला हमने 1300 वोटों से चुनाव हार गए, तेजस्वी यादव के दिल में बहुत बड़ा दर्द है। अब उनको अगर दर्द है तो अगर कहीं से दर्द हो रही हो, अगर कमरे में आपको घुटन महसूस हो रही हो तो खिड़की खोलना चाहिए, खिड़की खोलेंगे भी नहीं, अब घुटन से बचना भी चाहेंगे तो ये नेचर के खिलाफ है। अच्छा एक और सवाल, चूंकि बिहार की जिम्मेदारी है आपके ऊपर है, क्या आप हिंदुओं को भी टिकट देंगे अपनी पार्टी से? टिकट देंगे, टिकट दिया नहीं, अब हिंदू किसको कहते हैं, ये जो हमारे यहाँ लड़े मुकेश प्रोफेसर हमारे वो रहे पटना यूनिवर्सिटी के रहे हैं अमित पासवान जी, हिंदू नहीं है क्या? या झाजी लड़े हमारे यूपी में, वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू किसको कहते हैं आप, हिंदू किसको कहते हैं? मैं सबके साथ, मेरी पार्टी कॉमनल नहीं है यह बात जान लीजिए, मेरी पार्टी सेकुलर है, मेरे बारे में सेकुलरिज्म पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि सेकुलरिज्म माइनॉरिटी के लोगों का मामला यह भी है कि माइनॉरिटी के लोग अपने धार्मिक आस्था का बड़ा पालन करते हैं। मैं बता देता हूं मेरा सेकुलरिज्म क्या है। मेरा सेकुलरिज्म यह नहीं है, प्रोफेट मोहम्मद ने होली कुरान में ईश्वर की तरफ से हमें बता दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसका धर्म उनके लिए है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, लाइक रहा फिर दीन, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जोरदस्ती धर्म में नहीं ला सकते आप। नहीं, इसके लिए हमारा इसके लिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बिहार तक पर आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर भी एक टिप्पणी कर दीजिए, 15 मिनट में पुलिस हटा लीजिए, दिखा देंगे इस तरह का बयान। अरे उसने कहा कि अरे बहुत सारी जगह पीएससी वालों ने गोली चलाई थी कि नहीं, यहाँ पर सुनिए, मैं कर रहा हूँ, गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं। अरे वो कहा कि भाई 15 मिनट को गलत, अरे भाई उसने कहा कि उसने आपने उसका अर्थ दूसरा दिया, उसने कहा कि आप पुलिस हटा दीजिए, फसाद में इनका बड़ा बुरा रोल रहता है, 15 मिनट में हम दोनों गले मिल लेंगे, क्या बात करते हैं आपने तो। अरे अरे पूरा, अरे उसने वही कहा ही है कि 15 मिनट में दोनों भाई हम फड़िया लेंगे, अरे खुल के हम बोलते हैं ना भाई, उसी का आदमी हम बोल रहे हैं, उनसे पूछे वो भी बोलेंगे, 15 मिनट में गले मिल लेंगे, 15 मिनट में हम गले मिल लेंगे, भाई भाई में लड़ा रहा, पुलिस लड़ा रही है हमको, पीएससी के नौजवानों ने हंडन नदी पर गोली चलाई थी, इनका रोल हमेशा खराब रहा है, पुलिस हटा दीजिए, हम दोनों भाई मिल लेंगे, झगड़ा तय कर लेंगे, इसमें आप कहां से दिक्कत हो पड़ेगा।
चलिए, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मतलब ये बहुत लंबी बहस है और उम्मीद करते हैं कि आप आगे फिर से हमारे स्टूडियो जरूर आएंगे और हमसे बिहार तक से बातचीत करेंगे। आप बुलाएंगे तो हम दौड़ के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए। ये हमारे साथ अख्तरुल इमा, AIMIM के विधायक, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ओबैसी के राइट हैंड कहे जाते हैं और बिहार में अब प्रतिनिधित्व करता हूं भाई। हाँ, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये एक बड़ी बात है, प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार सीमांचल की आवाज उठा रहे हैं। सीमांचल की आवाज अगर आप जानेंगे तो अख्तरुल इमान उसमें से एक हैं जिनकी आवाज अक्सर आपको विधानसभा में सुनने को मिलेगी। आप बिहार तक पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।